हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है शुभम टेक मीनिया पर। तो यहाँ आपको मिलेंगे औसम कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, तो अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं कभी भी, तो हमारा एक डिफिकल्ट डिसीजन रहता है कि कौन सा हार्डवेयर लगाएं हम। तो यहाँ मैं बेसिकली आपके लिए दो से तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो है एक क्रूशियल कंपनी जो कि बहुत अच्छा हार्डवेयर बनाती है, मैंने खुद ही यूज़ किया है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में। अब सबसे मेन रीज़न चीज़ तो हमारे लिए ये रहती है कि वो चीज़ कॉम्पैक्टेबल रहेगी, यानी जो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी जिसे हम SSD की बात करें तो कई पीसीज में NVMe में भी दे रखे होते हैं स्लॉट्स, यानी M2 फॉर्म स्लॉट्स दे रखे होते हैं जो PCI बेस्ड रहते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि ये सपोर्ट करेंगी या नहीं, कौन सी करेगी कौन सी नहीं करेगी, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली क्रूशियल नाम की जो कंपनी है उसने हमें एक बहुत अच्छा फीचर दे रखा है, तो मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली वो एक उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो हमारे सिस्टम की डिटेल्स भेजता है इन कंपनी के पास। सॉरी, मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन इशू है, तो मैं एक बार उसे फिक्स कर देता हूँ। चलिए, हो गया फिक्स। तो हमें सीधे यहाँ पर चले जाना है, जैसे हम DDR4 RAM अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कैन कंप्यूटर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत आसान काम, आई एग्री टू कंटिन्यू स्कैन माई कंप्यूटर। ओके, एक मैं पहले ही कर चुका हूँ डाउनलोड फाइल, फिर भी आपके लिए करके बताऊँगा। अब आप उसे रन कर लीजिए। अब ये कुछ सेकंड तक एक स्कैन करेगा। तो यहाँ पर क्रूशियल रैम एंड SSD लगभग 1,75,000 कंप्यूटर्स के अंदर कॉम्पैक्टेबल है, मतलब उतनी चीज़ों के लिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो ये बता रखा है मेरे में अभी 8GB स्लॉट लगी हुई है, यहाँ मैं 16-16GB करके 32GB मैक्सिमम स्लॉट लगा सकता हूँ अभी के टाइम की बात करूँ तो। 2 मॉड्यूल्स ये देगा अगर हम चाहें तो। और अगर बात करूँ SSD की, तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर 202GB यानी 250GB की M2 लेने का, जो कि इनकी स्पीड बता रखी है इसने 2100 MBPS से 1100 MBPS। तो मैक्स आउट ऑल था यहाँ, तो मैक्स आउट मेमोरी यहाँ सिर्फ हमें मेमोरी मॉड्यूल्स के बारे में बताएगा। इसके बाद हमारे पास SSD मॉड्यूल्स का है, तो यहाँ हम बात करें तो देखिए आपको ये हर चीज़ के बारे में बताया। अभी हमारे पास WD की हार्ड डिस्क है, एक SSD भी है जो किंगस्टोन की है। ये बता रहा है हमें कि हम क्रूशियल की P2 SSD लें, जिसकी जो M2 फॉर्मेट में आती है और 2100 MBPS रीड स्पीड एंड 1100 MBPS राइट स्पीड होती है, जो मेरे वाले की रीड एंड राइट स्पीड जो है वो बहुत कम है, लगभग 350+ है, फिर भी इनफ है वो, यानी इनफ जल्दी कर देती है। वेयर टू बाय में हम देख लेते हैं, तो ये हमें बता देगा कहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ Amazon पे इसका प्राइस क्या रहेगा। तो क्रूशियल P2 एक बार डालते तो ये आ गया। Amazon.in का प्राइस की बात करूँ तो 6000 में आपको ये 500GB मिलती है, इनफ है। अगर आप एक अभी के टाइम पे अगर खरीदते हैं तो इसके इक्विवेलेंट में आपको नॉर्मल SSD पड़ेगी, जबकि ये यहाँ महंगी पड़ेगी। तो आप मेरे प्रेफर करने के हिसाब से आप ये 500GB की खरीदिए, जो कि आपको उस मुकाबले सस्ती भी पड़ेगी एंड यूजफुल भी रहेगी। इसकी भी यहाँ पर भी आप देखें तो ऊपर तो इतना कुछ ज़्यादा डाटा दे नहीं रखा हमें, बट इसके बारे में ज़रूर दे रखा होगा। तो ये देखिए कैपेसिटी 500GB बेस्ड इन लो बजट लाइटनिंग परफॉर्मेंस, अभी ज़्यादा कोई रिव्यू नहीं है, बट इसके बारे में जो रिव्यू हमें दे रखे हैं उससे आपको पता चल जाता है कि ये फास्ट है, मतलब इनफ फास्ट है। तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा अगर आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो
मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा टॉपिक लेकर।